रेलवे की एक यूनियन में विवाद के हालात बन गए हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष आरपी भटनागर के खिलाफ पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। वंशवाद चलाने के आरोप में घिरे भटनागर को हटाने के लिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आरपी भटनागर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। उन्हें न केवल नोटिस दिया गया है बल्कि रेलवे प्रशासन को इस बात से अवगत करा दिया गया है कि अध्यक्ष को जो कानूनी संरक्षण प्राप्त है वह आरपी भटनागर से छीन लिए जाए। रेलवे के वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की कार्यकारिणी में मचे इस बवाल से रेल कर्मचारी काफी गुस्से में हैं और उन्होंने अपने अध्यक्ष डॉक्टर आरपी भटनागर के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इनको लेकर के आज आप पहुंचे जबलपुर? नहीं, जबलपुर जो हम आज पहुंचे हैं वो ये जानकर पहुंचे हैं कि कल को ये एक फर्जी मीटिंग हुई थी यहाँ और उसमें बाहर से हमारे जो कार्यवाहक अध्यक्ष में हैं उनका पोस्टिंग कोटा है, उनको बुलाया था और कुछ आदमी और इकट्ठे किए थे दूर उधर से, जो कि वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, सीईसी के मेंबर नहीं थे। यद्यपि भी इन्होंने कहा कि हमने सीईसी की मीटिंग करी है और करके कुछ रेजोल्यूशन पास किए हैं, उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट को रिमूव करने का नोटिस दिया है और ये दो तीन और रेजोल्यूशन पास किए हैं जो अभी उनकी कॉपी मेरे पास आई नहीं है। तो ये देख के कि मैंने कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ, तो मैं आज आया सुबह, देखा सीपीओ साहब को भी मैंने बता दिया कि ये जो है सब फर्जी काम है और इसमें कोई वर्किंग कमेटी का नोटिस तक नहीं है। नोटिस जाना चाहिए, वो नोटिस कम से कम 7 दिन का नोटिस, क्लियर नोटिस होना चाहिए और वर्किंग कमेटी को नोटिस जो देता है वो प्रेसिडेंट की इजाज़त से देता है। जनरल सेक्रेटरी इज़ नॉट द अथॉरिटी, वो अपने से नहीं दे सकता है। तो ये फर्जी है और जो भी स्थान होता है वर्किंग कमेटी के इसका बैठक का, वो रेलवे के ही ज़्यादातर मोस्टली, अब तक कि कोई बड़ा भारी उत्सव नहीं हो रहा हो तो रेलवे के ही प्रीमाइसेस में होता है। आपके जैसे हमारे यहाँ कम्युनिटी हॉल है, हमारे यहाँ सीनियर इंस्टीट्यूट हॉल है, हमारे यहाँ एक और हॉल है जो अधिकारी वर्ग का है, तो उसमें कर लेते हैं। हमारे सब वर्किंग कमेटी के मेम्बर ज़्यादा 100-112 के करीब है। तो सर, आपके पदाधिकारियों ने ये आरोप लगाया कि आपका बेटा जो है वो भी रेलवे में नौकरी नहीं करता है, जबकि प्रावधान ऐसा है कि जो रेलवे में सर्विस कर रहा है कार्यरत कर्मचारी वही यूनियन का सदस्य होगा या पदाधिकारी होगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो रेलवे से बाहर का भी आदमी दिया जा सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये उनका कहना है कि आपके द्वारा ताला तोड़ दिया गया कुछ लोगों को, आपने कार्यालय का? नहीं, हमें किसका ताला तोड़ा? यूनियन कार्यालय का ताला तोड़ दिया। यूनियन कार्यालय कौन सा है? यही क्यों बैठे हैं ये? तो ये देखिए बोर्ड किसका है, देखिए ना, पढ़िए आप। मेरे घर में खुली का ताला। अरे ठहर, वो बोर्ड किसका लगा है, किसका लगा है बोर्ड बताइए ना। आप लोगों का लगा है? हाँ, आपका। आप लोगों का नहीं, मेरा है और मैं बैठा हूँ। नहीं तो ये आपका, लेकिन यूनियन की संपत्ति क्या लगी ना, रेलवे की संपत्ति? रेलवे की संपत्ति तो सब है, रेलवे की संपत्ति तो सब है, लेकिन जो आपके पदाधिकारी, जो आपके यूनियन के कार्यकर्ता जो छोड़ के चले गए, सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, गलत है, ताला तोड़ दिया गया। गलत काम, ताला क्यों तोड़ेंगे? हमारा चैम्बर है, हम अपने चैम्बर में बैठे, ताला क्यों तोड़ेंगे? खुला खुला है हमारे लिए ताला, कोई ताला थोड़ी लगाएगा कोई। अगर हमारे लिए ताला लगा रहा है तो वो जुर्म कर रहा है, मेरी संपत्ति के ऊपर ताला कैसे लग जाएगा भाई, ये बात है ना, तो वो गलत बात है। तो बाहर क्या कोई रह सकता है क्या, सिविल भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता यूनियन में? हाँ, रह सकते हैं, तीन रह सकते हैं, तीन से ज़्यादा नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 का है, 3 तक रह सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं रहते। तो ये है और इस तरीके से उन्होंने, कोई भी काम करना है आपको तो संवैधानिक तौर से करना चाहिए, आप पूरी अच्छी ढंग से। लोगों ने कोई उनका कहना है कि हम लोगों ने मीटिंग की थी, मीटिंग में 80% कर्मचारियों ने? मीटिंग कौन सी करी थी?
कौन सी करी थी, कब करी थी, कहाँ करी थी? कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला कुछ? मुझे कौन नोटिस देगा, मैं तो खुद मीटिंगों को कंसेंट देता हूँ। मैंने उन्होंने तो मेरे से बोला था कि साहब, मैंने पहले बोला था 12 तारीख की मीटिंग रख लो, तो उन्होंने कहा 12 तारीख का बोनस रहेगा, रिकॉर्डेड है, 12 तारीख का बोनस रहेगा, तो उन्होंने कहा 22 तारीख का रख लो। उन्होंने कहा ठीक है साहब, 22 तारीख का रख लेंगे, रिकॉर्डेड है। तो मैंने कहा ठीक है, 22 तारीख का रख लो, लेकिन ये पीछे से छल है। तो आप लोग, आपने भी इसकी, जब इन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, आपने भी कहीं से खाना लेवल पे चली? हाँ, अरे ये कली करी, कली करी है, कल करी थी हमने, कि ये जो है आपने कहाँ किया इसका? सीपीओ को किया है, जनरल मैनेजर को किया है, कि ये गलत काम हुआ है, ये मीटिंग जो है ये फर्जी मीटिंग है, वेग मीटिंग है, इस मीटिंग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये ना हमारे से कंसेंट लिया है इसमें, और ना हमें, ना हमारे वर्किंग कमेटी मेंबर्स को बुलाया है, उनको इनवाइट, मतलब उनको कम से कम खबर मिलनी चाहिए। तो ये एक हल्ले के अंदर कर दिया, चलो भाई आ जाओ, और झूठे दस्तखत करा लिए लोगों से, ऐसे कि किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ बताया, तो ये फ्रॉड क्यों होना चाहिए? सीधी सीधी बात करो हमसे भी। पहले तो सीधी सीधी बात, 2 तारीख तक तो हमारी मीटिंग हुई है यहाँ पर, उससे पहले PNM थी, 30 तारीख और 1 तारीख को सब उन्हें PNM करी है, PNM के बाद में 2 तारीख को। तो अचानक कैसे विवाद हो गया? यदि तो आप शहर में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कार्यालय में कार्यक्रम का कर्मचारी यूनियन बदल के आए, तो अचानक कैसे हो गया? अचानक ऐसे हो गया कि भाई बात यह है कि जब किसी को खुली इजाज़त नहीं मिलती है, वो देखते हैं कि ये हमारे बड़े हमारे बीच के अंदर आ रहे हैं, तो फिर ये बहुत दिनों से है, कई लोगों ने बहुत दिनों से बोला कि साहब ये वो चल रही है, एक तरह से कॉन्स्पिरेसी चल रही है। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है तो कॉन्स्पिरेसी तो हर। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो वर्किंग कमेटी बुलाएंगे हम, प्रॉपर वर्किंग कमेटी बुला के जो फैसला होगा उसके। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ, जो तीनों डिवीज़न में जबलपुर भोपाल कोटा के लोगों ने यह बताया कि हमारे जो अध्यक्ष हैं बंसवाद चला रहे हैं, यह कर्मचारियों के बीच में बहुत दिन से विरोध था कि अपने लड़के को ला रहे हैं, बहू को ला रहे हैं, विमान से आ रहे हैं, और इसकी शिकायत हुई, और जिसके कारण इमरजेंसी एक वर्किंग कमेटी, जो हमारा संविधान वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का कहता है, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें लगभग 112 उसमें मेंबर हैं, हेडक्वार्टर ऑफिस बेयरर और वर्किंग कमेटी मेंबर मिला करके तीनों डिवीज़न से, जिसमें लगभग 80 लोग फिजिकली रूप से 75-76 लोग उपस्थित रहे, कुछ लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़े, और उन लोगों ने उस जो शिकायत किया था, उस शिकायत पे कर्मचारियों ने जो शिकायत किया था उन पे चार्जेस लगाए थे, उस पे सभी लोगों ने सहमति जताई और बोला कि ऐसे लोगों को संगठन में रहने का अधिकार नहीं है, और यह प्रस्ताव पास हुआ, और सर्वसम्मत से लगभग फिजिकली रूप से और ऑनलाइन से 80 लोगों ने उसमें समर्थन जताया, और समर्थन देने के बाद उनको नोटिस दी गई लीगली रूप से कि आप इसमें स्पष्टीकरण दें, जो आपको स्पष्टीकरण को उनको भेजा गया, और इस चीज़ की सूचना रेल प्रशासन को दिया गया कि इनको हम, यह जो हमारा अपेक्स फोरम है हेडक्वार्टर वर्किंग कमेटी का, वो निर्णय लिया है कि यह इनको सस्पेंड किया जाए, और इनको जो कानूनी जो प्रोटेक्शन मिला है रेलवे के द्वारा, वो फिलहाल के लिए उस पर भी सस्पेंड किया जाए। यह है डॉक्टर RP भटनागर और अमित भटनागर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के, और इन्होंने अपने बच्चे को, जो कि रेल कर्मचारी नहीं है, उसको यूनियन में वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, जबकि हमारे बाइलाज में यह है, प्रावधान है कि बाहरी आदमी को नहीं रखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने उन नियमों को, संविधान को, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के संविधान को दरकिनार करते हुए कुछ अपने लोगों से मिल करके उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। कार्यालय का ताला भी तोड़ने के चला, और आज जैसे ही उनको पता चला, पता चलने के बाद आज बाई रोड आकर के, या अपने कुछ अराजक तत्वों के साथ आकर के, उन्होंने संगठन का दरवाज़ा, ताला तोड़ने का काम किया, जिसके लिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ, हम लोग, हमारे कार्यकर्ता,
ये मिल करके कानूनी लड़ाई जो हमारा अधिकार है, हम प्रशासन के साथ अपना यहाँ पे एक FIR दर्ज कर रहे हैं और उसका जो भी कानूनी तरीका होगा उसके हिसाब से। तो क्या ये पद से हट नहीं रहे हैं अभी भी? नहीं नहीं, सस्पेंड कर दिया गया उनको पद से। देखिए, संविधान के तहत जो हमारा राइट है, संविधान में सभी सदस्यों ने सहमति जताई है, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो जब सस्पेंड है तो उनको लीगली रूप से आप वहाँ नहीं आ सकते हैं, आप संगठन की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं, आप रेल प्रशासन के साथ वार्ता नहीं कर सकते हैं। इसकी सूचना हम लोगों ने PCPO को कल दे दिया है और AGM को दे दिया है और इस पे प्रशासन निर्णय लेगा। SN शुक्ला, मंडल अध्यक्ष, जबलपुर। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर से।